हेलो दोस्तों, आज आफ्टर इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज का चौथा दिन है ना। जितने भी बच्चे आज इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं, जो बच्चे कुछ ज़्यादा करीब होते हैं, बहुत प्यार होता है इमेज क्लासेस से, वो लौट के आते जरूर हैं अपने रिव्यूज देने के लिए। तो हमारे साथ है क्या नाम बेटा आपका? अब्दुल्ला बिन उमर। अब्दुल्ला बिन उमर। उमर उमर है, जरा जानते हैं अब्दुल्ला बिन उमर कैसा रहा इंटरव्यू बेटा आज? जी सही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग बैठे? पहले डॉक्यूमेंट चेक हुआ? जी पहले क्या क्या चीज़ें मांगी उन्होंने? उन्होंने CA कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नहीं मांगा था उन्होंने, वो हॉल टिकट लिया था और बर्थ सर्टिफिकेट लिया था। मार्कशीट भी मांगा होगा जी? मार्कशीट देख रहे थे, प्रोमोटेड लिखा है कि नहीं? जी देखा था। अच्छा एफिलिएशन नंबर वगैरह चेक कर रहे हैं? वो सब चेक कर रहे हैं सब था। उसका एक कॉपी अपने पास रख लिया? जी जी कॉपी मांग के रख लिया होगा। ठीक है, ओरिजिनल एकदम होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका कितने बजे का इंटरव्यू का टाइम था? मेरे इंटरव्यू का टाइम 8:30 बजे था। 8:30 बजे था। तुम्हारा नंबर कितने बजे आया फिर? मेरा 12th नंबर था तो उसी के आसपास था। तो कितने बजे हो गया इंटरव्यू आपका? ये कुछ 10 बजे 10 बजे करीब हो गया होगा। जी जी जी। अच्छा वहाँ पे कितने इंटरव्यूअर थे, मतलब कितने जगह इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे? अंदर 2 जगह पे इंटरव्यू हो रहा था। कितने कितने लोग बैठे हैं? 1 जगह पे 2 लोग बैठे हुए थे। और तुम्हारे से पास? मेरे पास भी 2 लोग बैठे हुए थे। 2 लोग बैठे हुए थे। ठीक है, जब आप अंदर गए, मैं आई केविन, तो पहले साइन करवाया होगा? जी जी पहले साइन करवाया था। बैठने के लिए बोला आपको? जी। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया और पूछा फादर कहाँ जॉब करते हैं। हाँ। तो मैंने बताया फिरोजाबाद। उसके बाद उन्होंने ये पीरियडिकली का ऑल्टरनेटिव कोई वर्ड पूछा था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मदर कौन है, मतलब डॉक्टर हैं तो कहाँ पे जॉब करती हैं। तो मैंने बताया होम मेकर हैं। और उन्होंने पूछा, नहीं ये वाला सवाल आया था कि आपका एम क्या है, मैंने बताया बिजनेसमैन। उन्होंने बात वहीं रख दिया, वहीं रोक दिया, आगे नहीं पूछा? नहीं आगे नहीं पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने ये पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, मैथ्स था, मैंने मैथ्स बताया। तो उन्होंने पूछा क्यों लगता है इतना फेवरेट? तो मैंने बताया कि अगर इसमें मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो इंटरेस्टिंग होते हैं क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, गुड जी। और क्या क्या पूछा सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल? सब्जेक्ट से रिलेटेड बस इतना पूछा था और ज़्यादा नहीं पूछा था। जी हाँ, वाटर साइकिल पूछा था। पापा को याद है वाटर साइकिल पूछा है? और वाटर साइकिल पूछा था, साइंस से वाटर साइकिल पूछा जी बस। और ज़्यादा नहीं लिया था उन्होंने, जल्दी भेज दिया था। पता नहीं मार्क्स तो आपके, मैंने एक्चुअल मार्क्स थे रिटन में, रिटन में मेरे 60 मार्क्स थे। 60? तो सीए कैटेगरी के वजह से? जी सीए कैटेगरी। चलो इस बार का जनरल का जो बॉयज़ का कट ऑफ गया है रिटन में 69 गया है, और गर्ल्स का कितना है? 67। यस सर, गर्ल्स का 67 गया है। और इसका 60 मार्क्स में नाम आया, मतलब इसके पास कोई ना कोई कैटेगरी होगा। 3 कैटेगरी है एमबीए में सिर्फ काम करता है, सीए सीई और पीएच कैटेगरी। ठीक है, अच्छा और कुछ? यस सर, इतना कुछ हार्ड सवाल नहीं पूछेंगे, इजी पूछेंगे। आप बस जाइए, कूल रहिए, ज़्यादा कुछ टेंस माहौल नहीं होता है वहाँ का, एकदम हंसी मजाक करके पूछते हैं। आप कौन से बैच में थे हमारे? Tulu 7 में। Tulu 7 बैच में थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा Tulu 7 का आपका? अच्छा था, DPTs, VK tests वगैरह। ऑनलाइन बैच में थे ना? जी ऑनलाइन बैच, कंप्लीट ऑनलाइन बैच था। प्योर कंप्लीट ऑफलाइन। ठीक है, तो DPTs टेस्ट पेपर, कोई भी टेस्ट पेपर या DPTs का भी मिस किया आपने? मतलब क्या, रेगुलर थे आप इरेगुलर थे? मैं रेगुलर था। रेगुलर रहा जी। ठीक है, तो मार्क्स 60 नंबर कैसे कम कैसे रह गए सर? वहाँ पे थोड़ा टाइम कम पड़ गया था सर, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। यस सर, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। ऐसा क्यों सर? अच्छा, तो ये पहले से, अगर इसको था, अब्बा को दो माइक, अब्बा को दो तेरा बात करें, तो अगर ये पहले से स्लो था तो आप अपने तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट करवाया है उसको? We have got a tutor for him at home. Okay. So, I don't live with them. Most of the time I am out of the station. I work in Firozabad. Okay. So I have got a tutor for, I have arranged tutors for them. So, तो tutors time speed को तो manage नहीं, उनके पास skills नहीं होती ना, time कैसे manage करवाना है? Time manage करने के लिए हम लोगों ने sure shot selection series launch किया था। उसे एक हाँ, उसमें मतलब 2 घंटे के अंदर हम 120 सवाल देते थे बच्चों करने के लिए। एमी माते 85 सवाल। वैसे मैथ्स में काफी इंप्रूवमेंट रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब, तो सिली मिस्टेक वहाँ पे थोड़ा सिली मिस्टेक नहीं था, थोड़ा टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा, तो कुछ क्वेश्चंस रह गए। आप जल्दी में भी होंगे कुछ जी? कुछ नर्वस भी हो गए? नर्वस हो गए जल्दी में थोड़ा सा, थोड़ा वो रहता ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक,